स्वागत है आप सभी का KS फैमिली व्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ पर है मंडा है, चाक है और है आज भात, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और काम आज मैंने थोड़ा जल्दी से कर लिया है क्योंकि आज बहुत सारे काम है और पार्लर भी जाना है मेरे को। तो मैंने सोचा पहले कपड़े सिलेक्ट कर लेती हूँ कि कौन से कपड़े पहन के जाऊँगी शाम को। तो इनमें से कुछ डिसाइड नहीं अभी कर पाई हूँ मैं कि कौन से पहनूँ। और ऐसा लेडीज़ों के साथ होता है, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है जब कहीं जाना होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कौन से पहनूं। फिर अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि कौन से पहनूं, फिर वो बताएंगे अगर कि ये वाले पहनूं तो फिर सब डिसाइड कर पाती हैं कि ये नहीं ये पहनूंगी, ये नहीं ये पहनूंगी। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो अभी मैंने अपने सारे कपड़े निकाल रखे और बाकी ऊपर वाली कोई दरवाजे पर आए शायरी देख कर आ, और ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें भी कपड़े रखे हुए हैं तो वहाँ से भी लेकर आऊँगी। फिर देखूँगी कि मैं क्या पहनूँ, आज साड़ी पहनूँ कि सूट पहनूँ। तो बस आज के ब्लॉग में जो है बने रहिएगा, आज का स्पेशल ब्लॉग आएगा, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पर चाक मंडा और भात में कैसे कैसे होता है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी इन्वाइटेड हैं और आइएगा आप भी शाम को। तो थ्रेडिंग भी मैंने बनवा ली है और बस जो है मैं तैयार होंगी क्योंकि सबसे पहले जो होएगी चाक की रस्म होएगी, तो चाक पूजने जाएंगे। तो अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और चाक पूजने जा रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ तैयार। और चलिए दोस्तों आपको भी लेके चलती हूँ। और मम्मी यहाँ बैठी हुई है और मम्मी भी अभी जाएगी, अभी मम्मी तैयार होएगी। मैं तो इधर से शामिल हो जाऊंगी ना। हाँ, और अभी हम जा रहे हैं। तो मम्मी ने लिया था एक मेहरून कलर का चूड़ा, वो बहुत सुंदर है, बाजार से लाया हो नहीं? जब मैं भी अपने कपड़े लेने गए थे, जब पापा गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग हुई है। और दिखाओ मैंने आपको कौन सी झुमकी कैसे लग रहे हैं, ये जो मैंने आपको मम्मी को गिफ्ट दिए थे ये वो वाले हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना रिंग। तो बस अभी हम तैयार हो चुके हैं सब और हम जा रहे हैं अभी चाक पूजने के लिए। और ये वाला चूड़ा भी पहन लिया है मैंने, और जब मैं शादरा गई थी मार्केट तो मैं वहाँ से ये वाला चूड़ा लेकर आई थी। और ये झुमके जो हैं ये शैरी ने दिए है मेरे को एनिवर्सरी पे, और शैरी भी यहाँ तैयार हो गई है और शैरी भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। चले चलो। और मैं तैयार हो गई लेकिन मैं नेल पेंट लगाना भूल गई थी, तो अब जल्दी जल्दी में याद आया कि नेल पेंट तो रह गया और नेल पेंट भी लग गया है। बस अब बस पैरों में और लगा लेती हूँ। पहना ये वाला सूट दिखाओ, नीचे नई वाली सैंडल और ये सूट पहना झुमके है और बोल और रिंग दिखाओ, रिंग दिखाओ, रिंग अपने हाथ दिखाओ, हाथ बस मेहंदी की कभी है, मेहंदी रात को लगाएंगे ना। हाँ Thank you.
क्या रहे होता तो मुझे देने में कोई दिक्कत है क्या? ये तो फायदा ही है, ये तो फायदा है छोटा देने में। आजकल पानी कोई पीता है? कौन पी रहा पानी आजकल? और चाक पूछ के हम आ गए हैं और अब शायरी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं अपने और मम्मी यहाँ पर बैठी है। मैं मम्मी से कह रही हूँ कपड़े चेंज कर लो, चेंज करो, ये जरा पहले पहन लो। ये तो सुबह पहनूंगी, अपना पहनूंगा मैं। फिर अभी कौन सा पहनोगे? दूसरा पहनूंगी, पहनो फिर। तो चाक तो पूछ दिया है और अभी आए हैं बस हम चाक पूछ के, और अब इसके बाद होगी भात की रस्म। तो जो भाते हैं वो भी आ गए हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और भार जो है भात लिया जा रहा है, तो अब भार लेके चलती हूँ आपको। भाई आज खाना खाना कम पड़ सकता है, आज प्लेट चेक कर ले, प्लेट चेक कराओ ना, खाना कम पड़ जाएगा आज। इसके पीछे
तेरी बराबर सर के पेड़ते वो रखी तो है जाते दे सब रखी और जाएगा जब तो मैं भी आनी चाहिए भाई ब्लॉग में तू भी आएगी चिंता मत कर यहाँ पर चल रही है भात की रस्म और भाई की तरफ से बहन के लिए और बहन के परिवार के लिए बच्चों के लिए रिश्तेदारों के लिए कपड़े दिए जाते हैं और कुछ सोने चांदी की चीज़ें भी होती हैं तो वो भी दी जाती हैं बहन के लिए। तो ये रस्म वही चल रही है और हमारे यहाँ पर ऐसी रस्म चलती है तो हम इसको कहते हैं भात रस्म। तो दीदी भी आ गई है हमारी और मम्मी ने दीदी से मंगवाए थे कानों के लिए तो दीदी टॉप्स ले आई है। ये उतार दिए है ये और पहले मम्मी ने ये आर्टिफिशियल पहन रखे थे 10-10 रुपए वाले और अब मम्मी को सोने के पहनाएंगे। चलो मैं डालू तुम्हारे कान में ले डाल दे ले डाल दे। अब ऑन हुई है इतनी देर से पता नहीं क्या कराया ऐसे करके दे रहा मेरे को भी वीडियो ऑन ही नहीं थी कल ही तो ये फोन हाथ में आया है अभी तो इसकी सेटिंग नहीं हुई और हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मम्मी के कान में हमसे बाली डल नहीं रही है कल से पकड़ा है सही ना पकता ही ऊपर वाला रहा ये कल से ये वाला ये तो मैंने घने दिन से ऐसी है ना ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों और आज सुबह जो है काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि रात को लेट सोए थे और कल जो है हमने आपको भात की रस्म और चाक की रस्म दिखाई थी और उसके बाद जो है मैंने अपनी वीडियो जो है एंड नहीं करी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी खाना खाने में भी काफ़ी टाइम हो गया था तो इस वजह से फिर मैंने अपनी वीडियो जो है अब एंड कर रही हूँ। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा बारात का घुड़चढ़ी का है ना। तो अभी जो है हम तैयार होंगे और टीका करने जाएंगे लड़के का और फिर बारात जो है जाएगी दुल्हन के घर है ना शहरी। तो बस अब अपने घर का काम करके फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वाला ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और अब आएगा नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए।